सर क्या फिल्म थी, इंडिया में ऐसे स्टंट्स के एक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता। हे हे एक मिनट, हिंदुस्तानियों को इतना कम मत समझो तुम, समझे? क्या खास कहते हो उसे स्टंट? हम भी कर सकते हैं ऐसे स्टंट। एक बार तो 3-4 कारों को ऊपर से तो मैं भी कूद चुका हूँ। सर फेंके मत आप प्लीज। फेंक नहीं रहा हूँ, कर चुका हूँ। मैंने सुना है दया सर 7-8 गाड़ियों के ऊपर से तो यूं चुटकियों में कूद जाते हैं। कौन दया? अरे वो तो गिरा है 3-4 बार। सर एक्सक्यूज मी। या Sorry. It's okay. ये आपका बैग। Thank you. Welcome. मिला? पूरी 5 उंगलियों के निशान मिल गए हैं सर। Fantastic मुस्कान। तुम तो फटाफट काम सीखती जा रही हो। सर, मैं भी 5-6 गाड़ियों के ऊपर से कूदूंगी इस बार। मुस्कान, पहले तुम ये फिंगरप्रिंट्स लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ, ओके? सर। आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैं आपका पीछा कर रही हूँ? जी हाँ, आप मेरा पीछा कर रही हैं। क्यों? मैंने अभी आपको कॉफी शॉप में भी देखा था और अब यहाँ देख रहा हूँ। क्या चाहिए क्या आपको? आप भी एक्टिंग करना बंद कर दीजिए। मुझे जो चीज देने आए हैं वो चुपचाप दे दीजिए। मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप शायद मुझे कुछ और समझ रही हैं। आप सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हैं? हाँ, मगर हाँ, तो फिर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखिए प्लीज, मुझे मेरी चीज दे दीजिए। देखिए, अगर आपने मुझे मेरी चीज नहीं दी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मैडम को तंग क्यों कर रहे हैं? अरे आप अपना काम कीजिए ना। मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी, हटिए। इसे तंग क्यों कर रहे हो? मैडम आप देखिए, इनके पास मेरी एक चीज है, मुझे दे नहीं रहे। आप लोग हटिए। मेरी बात सुनिए प्लीज। एक मिनट, मैं एक CID ऑफिसर हूँ, प्लीज। कौन है? रूम सर्विस। लेकिन मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो शायद आपके किसी चाहने वाले ने ऑर्डर किया हो। लेकिन आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। है ना? आ, 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 आ,
हाँ अभिजीत यार, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ, हो कहाँ तुम? ये लोखंडवाला में फॉरएवर बुक शॉप है, उसी के सामने खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक औरत सुबह से मेरा पीछा कर रही है, वो उसी बुक शॉप के बाहर खड़ी है। और इस बार कोई और औरत है जो इस पे नजर रखी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। थैंक्स थैंक्स। घूम के आया हूं, बस मैंने इन दोनों की बात सुनी है। क्या सुपर, किसी सुपर की बात हो रही है? मतलब क्या हुआ, सुपर सुपरमार्केट, सुपर स्टार, सुपर क्या, सुपर होटल? तुम्हें कैसे पता? अभी अभी एसीपी साहब का फोन आया, वो कह रहे थे किसी सुपरसन होटल में एक खून हो गया है। ये लोग भी सुपर की बात कर रहे थे, खून हुआ वो भी सुपर होटल में। सर। हाँ। इस आदमी का नाम सचिन कुमार था, आज सुबह ही दिल्ली से आया। आज सुबह ही दिल्ली से आया और आज मारा गया, बहुत पतले चाकू से मारा है। आसपास कोई चाकू है? नहीं सर, अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। खुदी ने कमरे की अच्छी तरह से तलाशी की है, इसके पास कुछ तो था जो खूनी ढूंढ रहा था। पूरा कमरा उल्टा पुल्टा करके रख दिया है उसने। पता नहीं उसे वो चीज मिली भी या नहीं। घाव काफी छोटा है सर, पर लगता है चाकू काफी तेजी से आया और सीधा अंदर घुस गया। एक बात देखिए अभिजीत, चाकू एक ही बार मारा। सर मुझे नहीं लगता है किसी ने चाकू हाथ से मारा है, शायद चाकू फेंक के मारा है। तुम लोग एक काम करो, रिसेप्शन से पता करो कि इससे कौन कौन लोग मिलने आए थे, किसी ने तो उस खूनी को देखा होगा। सो सो क्या है, जल्दी आइए। हाँ मुस्कान, कहाँ हो तुम? सर बैग के नीचे। हाँ मुस्कान सर, ये देखिए साबुन। सर मैं सुबह से यही हूँ, मिस्टर सचिन के रूम में कोई नहीं गया है। आपके स्टाफ में से कोई गया होगा? नहीं सर, जब से ये खून हुआ है हमने अपने पूरे स्टाफ से एक एक से पूछताछ की है, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। उनके रूम में क्या, उस फ्लोर पे भी कोई नहीं गया सर। अच्छा, कोई मिलने नहीं गया? नहीं सर, कोई उनके कमरे में भी नहीं गया। नहीं। मतलब सचिन जी का दिमाग अचानक खराब हो गया, उन्होंने एक चाकू उठाया और अपने सीने में मार लिया और मर गए, और उसके बाद चाकू उठा के फेंक दिया, ऐसा हुआ ना सर? ऐसा कैसे हो सकता है, एक मरा हुआ आदमी चाकू कैसे फेंक सकता है? यही हम भी पूछ रहे हैं सर। वो जैसे ही होटल में आए वो अपने कमरे में गए और 5 मिनट में ही होटल से बाहर चले गए थे। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मुझे अभी अभी याद आया सर। कहाँ गए थे, कुछ पता है? शायद किसी को कुछ देने जा रहे थे। आपको कैसे पता? सर उनके हाथ में एक ब्राउन कलर का पार्सल था। हेलो सर, जब वो लौट के आए थे उनके हाथ में कोई पार्सल नहीं था सर। हाथ में पार्सल नहीं था? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच।
हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मुझे मेरी चीज चाहिए। तुम चलो मैं आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को जमा कर दूंगी। बिना अपना गिफ्ट लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखिए मैडम आपको कोई गलत फहमी। बीच में मत बोलिए आप। आप जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज आप इनको क्यों नहीं सिखाते? देखिए मुझे कुछ सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है आपको। आपसे इतना क्या हो रहा है यहाँ पे? इनके पास मेरी एक चीज है, छुपाए बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं। पता नहीं सर कहाँ से टपक पड़ी है ये। टपकी नहीं है, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। देखिए मैं एसीपी प्रद्युमन हूँ, आप मुझे बताइए क्या हुआ है। एसीपी यानी आप इनके बॉस है। देखिए आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। इनके पास में मेरी एक चीज है। बंद करो ये नाटक। हो कौन तुम? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ जा रही। आपका कहने का मतलब है कि आप मेरे पति को नहीं पहचानते? ओ पति, अब ये पति कहां से घुस गया बीच में? हैं? ठीक है बुलाओ, बुलाओ अपने पति को, बुलाओ। कहां है वो, बुलाओ। वो इस दुनिया में नहीं रहे। I'm sorry. उन्होंने अपने डेथ से पहले मेरे लिए आपको एक गिफ्ट दिया था। ओ, फिर वही गिफ्ट? क्या नाम क्या है आपके पति का? पार्था। पार्था? पार्था की मौत हो गई? मगर इस तरह अचानक? क्या हुआ क्या था उसको? 4 महीने पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। पार्था ने आत्महत्या? देखिए आप लोग ने जो पूछना था पूछ लिया। प्लीज इनसे कहिए मेरे हस्बैंड का लास्ट गिफ्ट था वो, इसी मुझे वापस लौटा दे। देखिए मुझे पार्थव ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। मैं 2 साल से उसे मिला तक नहीं हूँ। 2 साल से? आप ये कहना चाहते हैं कि पार्थव के मौत से 2 दिन पहले आप उनसे मिले नहीं? फिर वही बात, किसने कहा आपसे कि मैं उससे मिला था? पार्थव ने। ये लीजिए उनका टेलीग्राम। डियर सुनंदा, मैं बहुत सह नहीं सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मेरा एक दोस्त सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत तुम्हारे लिए मेरा आखिरी गिफ्ट लेकर आ रहा है, उसे मेरा प्यार समझकर रख लेना। तुम्हारा पार्थव। पता नहीं सर ये कौन सा गिफ्ट है ये? मैं 2 साल से पार्थव से नहीं मिला हूँ सर। हमारी हम दोनों का झगड़ा हो गया था सर। झगड़ा हुआ था? किस बात पे? वो मैं आपको नहीं बता सकता सर, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे पार्थव ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। मैं समझ गई, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो करना होगा मुझे करना होगा। तुम सब लोग जरा बाहर जाओ। अभिजीत तुम यहां आओ। अभिजीत उसे नहीं, कम से कम मुझे तो बता सकते हो कि वो क्या चीज है जो तुम उसे देना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? वो लड़की झूठ बोल रही है सर। तो आंसू बहा के वो चली गई तो वो सच्ची हो गई। मैं रो नहीं सकता हूं, इसका मतलब मैं। अभिजीत आज आपने ऐसी इंसल्ट की है मेरी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बात अगर एसीपी साहब के बारे में तो मुझे नहीं करनी, बात सुनंदा के बारे में। बैठो। पार्थो की आत्महत्या की फाइल मंगवाई थी। अच्छा क्या पता क्या चला? सुनंदा सच बोल रही थी। अरे अभिजीत ये बताने आओ तुम मुझे, तुमको जरूर एसीपी साहब ने भेजा है। नहीं यार। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ उन्हीं के पास जाओ, मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम ये तो सुनो कि पार्थव ने आत्महत्या कैसे की। हा?
उसने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर आत्महत्या की थी। क्या? हाँ, जबकि उसके हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पार्थो ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, बिल्कुल सच है ये बात। बस दाल में कुछ काला है। दया, इसका मतलब पार्थो ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। अब तो चल सकते हो ना ब्यूरो? एसीपी साहब ने बुलाया, कह रहे थे कि अभिजीत को भी साथ में लेके आओ, नहीं तो तुम भी मत आओ। अब अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो चलो। माना कि एसीपी साहब बहुत गुस्सा करते हैं, मगर प्यार भी तो करते हैं। मना लिया था या नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। आने का तो कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन लेकिन क्या? आप यहां पे किसी को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा, एक छोटा सा झगड़ा क्या हुआ और तुम मुझे ताने मारने लग गया? खैर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल ये साबुन देखो। ये तो वही साबुन है जो हमें होटल में से मिला था। हाँ, पर अचानक इसे इतने प्यार से क्यों देखा जा रहा है? मुझे शक है कि इस पूरी केस में इस साबुन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्या हो सकता है साबुन में? हो सकता है इसमें कुछ छुपाया हो, कोई हीरा या कोई कीमती चीज। सर, इसे काट के देखते अंदर क्या है। कह रहा था ना, इस साबुन में ही कुछ गड़बड़ है। कभी देखा है ऐसा साबुन? मगर सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दया, इसमें कुछ छुपाने के लिए जगह तो बनाई है ना। सर, जो लोग सचिन के रूम में घुसे थे वो लोग शायद इस साबुन को ढूंढ रहे होंगे। एक चीज और है सर, वो ब्राउन पार्सल। सचिन जब कमरे से बाहर निकला था उसके हाथ में एक ब्राउन पार्सल था सर। ये ब्राउन पार्सल गया कहां? सर, एक बात पता चली है सर, सचिन ने होटल से बाहर जाने के जस्ट पहले एक फोन किया था। किसे किसे फोन किया था उसने? दीपराज पीत थरूल। दीपराज पीत थरूल, क्या बात कर रहे हो? क्यों, तुम जानते हो इस दीपराज को? हाँ सर, मैं जानता हूँ। दीपराज पीत थरूल हमारे स्काउट लीडर थे सर। दीपराज पीत थरूल हमारे स्काउट लीडर थे सर। पार्थव और मैं पहली बार इन्हीं के कैंप में मिले थे। अभिजीत, जो जो आदमी इस केस में फंस रहा है वो तुम्हारे आसपास का ही है, ऐसा क्यों? क्या चक्कर है? पता नहीं सर। प्रेडिक्स, तुम्हारे पास दीपराज का एड्रेस है? क्रिसेंट मैनोर, मलबार हिल। वैसे ही चाकू मारा गया जैसे होटल में सचिन कुमार को मारा गया था। सर, वो यहाँ भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वही चीज है, वो पार्सल। उस पार्सल को ही ढूंढ रहा है कोई। अभिजीत, खून अभी भी सूखा नहीं है, लगता है खून थोड़ी देर पहले हुआ है। सर, हाँ। सर, लगता है पहले यहाँ पर गिरे थे और फिर मरने के पहले वहां तक पहुंचे। सर, तो शायद ये इस डेस्क में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे।
इनका ये हाथ भी इस डेस्क की तरफ बढ़ा हुआ है और सर यहाँ पर ये इस हैंडल पे खून लगा हुआ है। स्काउट बैच? ये कैसा स्काउट का बैच? सर जो स्काउट जंगल में कैंपिंग के एक्सपर्ट बन जाते हैं उन्हें ये बैच दिया जाता है। मुझे भी ऐसा बैच मिला था सर, पवई के पास एक कैंप साइट है वहां पे दिया गया था मुझे। सर यही वो जगह है जहां पे हम लोग कैंपिंग के लिए आया करते थे। सर ये है यहाँ के केयरटेकर। कैंप बंद है क्या? कोई है यहाँ पे? नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं है, बारिश की वजह से कैंप बंद है, मगर दीपराज जी सुबह आए थे। दीपराज? तो यहाँ आए थे? हाँ। क्यों, किस लिए? सर पता नहीं, लेकिन वो जंगल ट्रेल की तरफ गए थे। सर जंगल ट्रेल इस तरफ है। तो ये देखिए, ये स्काउट्स का ट्रैकिंग साइन है। जब भी कोई स्काउट्स आगे आगे जाता है इस तरह के निशान पीछे बनाता हुआ जाता है। मतलब क्या? इसका मतलब है हमें इस तरफ जाना है। पत्ता तो एकदम फ्रेश है, इसका मतलब है कोई घंटे दो घंटे पहले ही बना के गया है। सर शायद दीपराज ने बनाया ये निशान। ये देखिए शायद यहां कोई गड्ढा था जिसे बंद कर दिया गया। खोदो इसे। पार्सल है सर अभिजीत सर के नाम का। हीरो का ये वही गिफ्ट है ना जिसके बारे में सुनंदा बात कर रही थी? एक बुरी खबर है। क्या? सीआईडी को पार्सल मिल गया है। सर मनसुख लाल जौहरी का कहना है कि ये हीरो का हार 100 रुपए में किसी भी फुटपाथ पे मिल जाएगा। 100 रुपए में? हाँ सर, वो तो कह रहा है कि अगर किसी ने इसके 101 रुपए भी दिए तो अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर देगा और अपना सर मुंडवा कर चार धाम की यात्रा पे निकल जाएगा। इसका मतलब है पार्थो ने अपनी बीवी को नकली हार भेजा? हाँ सर, वो भी छुपा के। ऐसा क्यों करेगा कोई? अरे अरे मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही है? देखो ऑफिसर, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अंदर जाने, मुझे अंदर जाने दो। ये तो धमकी हो गई मैडम। हाँ है, तो तुम सीआईडी वाले क्या कर रहे हो? एक तो मेरा गिफ्ट चुरा लिया, फिर छुपा कर अंदर बैठे हो। मुझे एसीपी से मिलना है, मुझे अंदर जाने। एक मिनट मैडम, चलो मैडम, मैडम एक मिनट। ये कोई तरीका है अंदर आने का? मुझे मेरा हार दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। देखिए ये हार अब आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके पति के प्यार का तोहफा नहीं है, ये एक राज है, इसकी वजह से खून हो रहे हैं, समझिया? मुझे ये सारी कहानियां मत सुनाइए, ये मेरा हार है, मैं लेकर जा रही हूं। अरे अरे छोड़ो मुझे, लीव मी। चलिए आप। मैं जानती हूं ये सब क्या है, लालच आ गया तुम लोगों को, हीरो का लालच। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को।
ये क्या कर रहे हो तुम? तो लगता है खजाने की चाबी मिल गई है। क्या मतलब? चाबी दया, चाबी। My God! अब हमें ये पता लगाना है कि ये चाबी है किस ताले की। सर, चाबी की साइज देखकर तो लगता है कि ये किसी छोटे मोटे लॉकर की चाबी होगी। सर, पार्थो को जिम जाने का बहुत शौक था, कहीं ये चाबी उसके जिम के लॉकर की तो नहीं है। ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि पार्थो की मौत हो गई, लेकिन ये चाबी आपको मिली कहां से? देखिए, ये चाबी कहां से आई ये मत पूछिए, ये बताइए पार्थो का यहाँ लॉकर है क्या? हाँ हाँ, वो तो यहाँ का लाइफ मेंबर था। आइए आइए। कौन सा लॉकर है मालूम है आपको? ये रहा सर, 22 नंबर। इसमें कोई ऐसी चीज है जो इस केस से पर्दा उठा सके? जरा खोलो। ये तो पहले से खुला सर। क्या खुला है? हाँ। बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। लॉकर खाली है, किसी ने साफ कर दिया है। सर, वो जो कोई भी है हमसे ज्यादा होशियार है, हमारे से एक कदम आगे है, हर जगह हमसे पहले पहुंच जाता है। समझ में नहीं आता उसे पता कैसे चलता है कि हम कहां जाने वाले, क्या ढूंढने वाले, कैसे कैसे रहता है वो हमसे एक कदम आगे। सर, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट? हर कदम पे वो अपराधी हमें मात देते आ रहा है। पहले वो स्काउट लीडर दीपराज, फिर वो जिम का लॉकर, उसे कैसे पता चलता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं? अब ऐसे स्टैचू की तरह खड़े मत रहो, मुंह खोलो अपना। जब हम यहां जिम की बात कर रहे थे तब हम सिर्फ तीनों थे, वहां खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर ये बात उस अपराधी तक कैसे पहुंचे? बोलो, आपको क्या लग रहा है मैं कर रहा हूं ये सब? वो मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो भी बातें हम यहां करते हैं वो उस अपराधी के कानों तक पहुंचती है। कैसे? हमें नेकलेस मिला, वो नेकलेस लेने के लिए वो औरत यहां आई। कैसे आई वो यहां? किसने बताया उसे कि नेकलेस मिला है? हेलो, हाँ है, एक मिनट। अभिजीत, तुम्हारे लिए फोन है। किसी औरत का फोन है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अभिजीत, मेरे पास आपके लिए एक पार्सल है। पार्सल? किसने भेजा है? पार्थो। लेकिन पार्थो का तो एक पार्सल मुझे मिल चुका है, दूसरा क्यों भेजा? क्योंकि उसे डर है कि पहला पार्सल गलत हाथों में पड़ जाएगा। ठीक है, आप वो पार्सल लेकर सीआईडी ब्यूरो में आ जाइए। मैं वहां नहीं आ सकती, बहुत खतरा है, आपको आना पड़ेगा। कब और कहां? लुकआउट पॉइंट पे, शाम को 4 बजे। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। हम नहीं, मैं, अकेले आइएगा। ठीक है, मैं अकेले आऊंगा। मैं अकेले जाऊं या आप लोग भी आएंगे मेरे साथ मुझ पर नजर रखने के लिए? नहीं, तुम अकेले जाओगे। अभिजीत आ नहीं सके, उन्होंने मुझे भेजा। लाओ पार्सल मुझे दे दो। ये पार्सल मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैं सिर्फ इंस्पेक्टर अभिजीत को दूंगी। देखो, जिद मत करो, लाओ वो पार्सल मुझे दे दो। देखा ये क्या है, जिंदा रहना या नहीं? जानती हो ये गोली क्या करती है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। Thank you.
तो भूल ही गई। ऊपर देखो, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, मालूम है ना ये जैकेट क्या करता है? तुम लोग हमारे से भी आगे आगे चलते रहे, हम जहां जहां पहुंचे तुम पहले ही वहां पहुंच जाते थे। हा? हमने दीपराज की बात की, किसी ने उन तक पहुंच के उन्हें मार दिया। हमने हीरो का हार ढूंढा, सुनंदा वहां पहले ही पहुंच गई। हमने लॉकर की बात की और किसी ने लॉकर तोड़ दिया, हमारे ब्यूरो में बग लगा दिया। हा? ये सारी बातें ब्यूरो में ही हुई थी, तो इसी से हमें मालूम पड़ा कि ब्यूरो में ही कुछ है। और जब हमने पूरे ब्यूरो की तलाशी ली तो हमें वो बग मिल गया। फिर हमने तुम्हारी चाल तुम पर ही चली, मुस्कान ने वो फोन कॉल किया जिसे सुनकर तुम यहां चली आई। इस बार तुम फंस गई, हमारे फोन करने पर ही आ गई। हाँ चलो अब जल्दी से बता दो, तुम और सुनंदा मिलकर ये क्या कर रही हो? सुनंदा? हाँ सुनंदा, वही आई थी ना हमारे ऑफिस में, उसी ने वो बग लगाया था ना ब्यूरो में। सुनंदा इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मयूर, 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 तुम क्या कह रहे हो? मयूर तुम ठीक कह रहे थे, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मेरा पार्थ का गिफ्ट नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ? क्यों? मेरा दिमाग खराब मत करो, कहना मैंने भाग जाओ? क्या हो गया तुम्हें, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। ये देखो, ये वही फोटोज हैं जो मुझे लॉकर से मिले, ये फोटोज मुझे 10 साल के लिए जेल भेज सकती थी। मयूर तुम ड्रग्स बेचते हो? हाँ, और ये बात तुम किसी से कहना मत, क्योंकि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पार्थव का। पार्थव? पार्थव को क्या किया तुमने? और पार्थव का इस सब से क्या लेना देना? उसी बेवकूफ ने तेरी फोटोज खींची थी। अब ये नींद की गोलियां तुम्हें हमेशा के लिए सुना देंगी। जाओगे? मैंने सारी तस्वीरें पहले से ही अपने दोस्त को भिजवा दी है। दोस्त को? वो CID में काम करता है, इंस्पेक्टर अभिजीत। इंस्पेक्टर अभिजीत? तुमने वार्तव का खून कर दिया। हाँ, और फिर मैंने एक प्लान बनाया कि पार्थव के भेजो स्नैप इंस्पेक्टर अभिजीत के पास पहुंचे, उससे पहले मैं उन्हें हासिल कर। इसके लिए मैंने एक लड़की को पैसे दिए और 2 लोगों का खून करवाया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने पार्थव के नाम से तुम्हें टेलीग्राम भेजा। मेरा गिफ्ट CID इंस्पेक्टर अभिजीत के पास में? CID मेरे गिफ्ट का क्या करेंगे? CID वाले है ना, इन CID वाले को कोई भरोसा नहीं, देखना वो तुम्हारा गिफ्ट खा जाएंगे। तो फिर अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक प्लान है, जब तक तुम्हारा गिफ्ट इंस्पेक्टर अभिजीत के पास नहीं पहुंचता हमें उस पर नजर रखनी होगी, और ये छोटा सा माइक हमें CID ब्यूरो में फिट करना होगा ताकि वो जो भी बातें करें हमें सुनाई दे। पर ये वहां पर कैसे पहुंचेगा? तुम पहुंचाओगे और इस तरह मेरे सबूत मुझे वापस मिल गए।
एक बार ये फोटो जला दो तो सारा किस्सा खत्म। मैं नहीं जलाने दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं जलाने दूंगी। नहीं आप छोड़। यस सर, मैं ठीक हूँ सर। देख, तुम ऊपर जाओ, मैं कवर करता हूँ। सर। अभिजीत। गलती हो गई। आई एम सॉरी ऑफिसर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.